नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युवांग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी पंजाब में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो किस चीज की, आपकी पीएसटीसीएल रिक्वायरमेंट 2021। तो इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं कि पीएसटीसीएल रिक्वायरमेंट 2021 का जो नोटिफिकेशन है, जो भर्ती है, इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पीएसटीसीएल का आपका एग्जाम बैटर क्या होगा, पीएसटीसीएल कि आपकी सैलरी क्या होगी, पीएसटीसीएल का आपका सिलेबस क्या होगा, इसके अंतर्गत कितने पद हैं, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में भी कॉमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है, पीएसटीसीएल वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएसटीसीएल ने विभिन्न लिखित पदों के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल में, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर, लोअर डिविजनल क्लर्क एंड टेलीफोन मैकेनिक के 490 पदों पर किया है आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 26 अप्रैल 2021 से 17 मई 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से पीएसटीसीएल जेई कलरक एलडीसी एई भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम पीएसटीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर, एलडीसी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो पीएसटीसीएल की वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 43 पद यानी 43 पद है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में 6 पोस्ट है, अकाउंट ऑफिसर की 7 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर एचआर की 2 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर आईटी की 1 पोस्ट है, डिविजनल अकाउंटेंट की 10 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन की 200 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर सिविल की 15 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की 11 पोस्ट है, टेलीफोन मैकेनिक की 15 पोस्ट है, जूनियर सॉरी लोअर डिविजन क्लर्क टाइपिस्ट की 140 पोस्ट है और लोअर डिविजन क्लर्क अकाउंटेंट की 40 पोस्ट है। तो इस तरह से आपकी क्या 490 पोस्ट है, वो टोटल इन पदों पर क्या आवेदन आपसे मांगे गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें, असिस्टेंट इंजीनियर की अगर बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो इसमें आपके पास बीटेक बीएससी डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी आपके पास क्या है 60% अंकों के साथ आपके पास क्या यह डिग्री होनी चाहिए। बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की सिविल के लिए, तो यही सेम है, आपकी क्या है बीटेक बीएससी इंजीनियर इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। अकाउंट ऑफिसर के लिए सीए सीडब्ल्यूए सीएमए आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए। बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की, तो आपके पास क्या 2 साल का फुल रेगुलर एमबीए डिग्री और पीजी डिप्लोमा विद एचआर आईआर स्पेशलाइजेशन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए एमबीए की या फिर पीजी डिप्लोमा होना चाहिए एचआर में या फिर आईआर में। चलिए बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर आईटी में, तो बी बी टेक बी एस सी इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस आई टी विद 60% मार्क्स, यानी आपके पास यह डिग्री होनी चाहिए। डिविजनल अकाउंटेंट के लिए बी कॉम आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए बी कॉम की 60% अंकों के साथ। बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन के लिए, तो इसमें आपके पास क्या 3 या 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर विद मिनिमम 60% अंकों के साथ, या फिर आपके पास बी बी टेक बी एस सी डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर विद मिनिमम 50% मार्क्स। तो आपके पास अगर इन दोनों में से एक डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, तो आपके पास क्या इसमें डिप्लोमा होना चाहिए किसमें सिविल इंजीनियरिंग में 3 या 4 साल का और 60% अंकों के साथ क्या है आपकी डिग्री होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन के लिए आपके पास क्या है डिप्लोमा होना चाहिए किसमें इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर विद 60% अंकों के साथ, या फिर बी बी टेक बी एस सी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर विद मिनिमम 50% मार्क्स। बात करते हैं टेलीफोन मैकेनिक की, तो आपके पास क्या 3 या 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर विद मिनिमम 50% मार्क्स। चलिए बात कर लेते हैं हम
लोअर डिविजनल क्लर्क टाइपिस्ट के लिए। तो आपके पास क्या किसी भी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन का की है 50% एग्रीगेट अंकों के साथ, या फिर आपके पास साथ में क्या होना चाहिए सर्टिफिकेट विद 120 आवर्स ऑफ कंप्यूटर कोर्स एंड पंजाबी पास अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। आपके पास क्या है 10वीं में पंजाबी होना चाहिए, 120 घंटे का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, और 50% अंकों के साथ क्या किसी भी विषय में क्या आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। बात करते हैं एलडीसी अकाउंटेंट की, तो आपके पास बीकॉम होनी चाहिए 50% अंकों के साथ एग्रीगेट, और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर का, और पंजाबी आपके पास क्या 10वीं में होनी चाहिए। तो ये आपकी योग्यता हो गई। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 20 से लेकर 37 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। डिविजनल अकाउंटेंट और जेई और एलडीसी के लिए आपकी 18 से 37 वर्ष आयु हो सकती है। बाकी आपको सरकारी नियमों के अनुसार आपको आयु में छूट भी दी जाएगी। बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 25 अप्रैल को जारी किया गया था। आपके पीएसटीसीएल के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू है 26 अप्रैल से, लास्ट डेट की आपकी 17 मई है, और फीस जमा करवाने की आपकी 19 मई है। आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन, वो होगा जून या जुलाई में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो फीस के बारे में अगर बात करें तो ऑल कैटेगरी AWS, SC और क्या है PhD जो कैंडिडेट आपके फिजिकल जो डिसेबिलिटी है उनको छोड़कर आपकी फीस होगी ₹1416 प्लस में आपका बैंक चार्ज लगेगा, साथ में आपका GST जुड़ा हुआ है इसमें। SC और AWS के लिए ₹566 प्लस में आपका बैंक चार्ज। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आपकी क्या 708 रुपये होगी और साथ में आपका बैंक चार्ज लगेगा। ये आपकी फीस होगी। फीस का भुगतान आपको क्या करना है ऑनलाइन माध्यम से करना है। बात करते हैं PSTCL सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो PSTCL सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, तो योग्य उम्मीदवार का चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी एक आपका ऑनलाइन एग्जाम आयोजित किया जाएगा, उसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो PSTCL एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका, तो अलग अलग पोस्ट के लिए क्या अलग अलग होगा। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है जो कंसर्न सब्जेक्ट होगा, जो आपका आपने डिप्लोमा किया है उससे संबंधित 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, GK, GS, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, टोटल आपका 100 नंबर का होगा। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए सेम रहेगा आपका 60-40, अकाउंट ऑफिसर के लिए भी सेम रहेगा 60-40, यानी 60 कंसर्न सब्जेक्ट से आएंगे और 40 है वो ये आपके 3-4 सब्जेक्ट ऐसे आएंगे, सभी का क्या सेम रहेगा ऐसे ही 40 क्वेश्चन आपके GK GS के आएंगे, मेंटल एबिलिटी आ गया, रीजनिंग आ गया, इनसे संबंधित 40 क्वेश्चन आएंगे, बाकी कंसर्न सब्जेक्ट से क्या 60-60 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बाकी आपका जो बचता है इसमें LDC जो टाइपिस्ट है उसका आपका अलग रहेगा। LDC टाइपिस्ट का क्या रहेगा आपका, इसमें आपका स्टैटिक GK आएगा, करंट अफेयर और GK 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, बेसिक कंप्यूटर आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, बाकी का आपका 60-40 सेम रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं आपका PSTCL का आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो इसमें आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, फेमस प्लेस इन इंडिया, इकोनॉमिक इश्यू इन इंडिया, कंट्री एंड कैपिटल्स, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड इनोवेशन, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल इश्यू, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, अबाउट इंडिया एंड इट्स नाइबोरिंग कंट्री, न्यू इन्वेंशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपका GK का पोर्शन आएगा। इसके अलावा अगर बात करें रीजनिंग से क्या क्या पूछा जाएगा, तो रीजनिंग का सिलेबस होगा आपका एम्बेडेड फिगर्स, नॉन वर्बल सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, कोऑर्डिनेट डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, नंबर सीरीज, मिरर इमेज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर रैंकिंग, डिसीजन मेकिंग, वर्ड रिलेशन, एनालॉजी, अर्थमेटिकल रीजनिंग, क्यूब एंड डाइस, डायरेक्शन, सिलोलिज्म और अल्फाबेट सीरीज से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड एज, प्रॉफिट एंड लॉस, मैंचोरेशन, प्रॉब्लम ऑन HCF एंड HCF, प्रमोटेशन एंड कम्युनिकेशन, एरिया, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स, मिक्सर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सर्टेन, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इक्वेशन और क्वांटिटी इक्वेशन, तो ये आपका मैथमेटिक्स का हो गया। बारी आती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा एडिमेंट फ्रेज,
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अनसीन पैसेज फिल इन द ब्लैंक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिसिंग वर्ब सेंटेंस रीअरेंजमेंट वर्ब वर्ड फॉर्मेशन एडवर्ब पैरा जंबल एयर स्पॉटिंग और फ्रेजल रिप्लेसमेंट मीनिंग्स आर्टिकल क्लोज टेस्ट सेंटेंस करेक्शन एडजेक्टिव ग्रामर और फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो ये आपका आ जाएगा इंग्लिश का। तो ये हो गया आपका सिलेबस हो गया, तो 40 का आएगा, 60 का आपका जो आपने जिस सब्जेक्ट से आपने डिग्री कर रखी है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी, तो पीएसटीसी और सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी होगी आपका इसमें क्या है 7th सेंट्रल पे कमीशन लगेगा इसमें, यानी बहुत अच्छी सैलरी होगी। बाकी अगर आपको अलग अलग पोस्ट की सैलरी देखनी है तो आपको क्या वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके वहाँ पे अलग अलग सैलरी देख सकते हो। तो यह तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि पीएसटीसीएल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये पंजाब गवर्नमेंट की लेटेस्ट भर्ती है और जो पंजाब में गवर्नमेंट में क्या है नौकरी का सपना देख रहे हैं वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो यह तो छोटी जानकारी जिसमें आपको बताया कि पीएसटीसीएल की जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पीएसटीसीएल का आपकी सैलरी क्या रहेगी, पीएसटीसीएल का आपका एग्जाम पैटर्न वो क्या रहेगा, पीएसटीसीएल जेई का आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा, पीएसटीसीएल अकाउंट ऑफिसर का सिलेबस क्या होगा, पीएसटीसीएल अकाउंट ऑफिसर के अलावा आपकी जो और पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेक्शन प्रोसेस या सिलेबस क्या होगा, सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, धन्यवाद।